बचा करके बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी हम आपको सीधा कहना चाहते हैं, इनको संभाल लो वरना जनता जवाब देगी जवाब। और चित्तौड़ से सुन लेना, चित्तौड़ के चंद्रमान सिंह का चंद्रयान 3 25 तारीख को शाम को 6 बजे यहाँ की जनता सुव्यवस्थित लोडिंग कर देगी और 3 तारीख का पेपर विधानसभा के पास में दिलाएगी। आप लोग देखोगे चंद्रमान जी मुख्यमंत्री किसको बनाना है। भैया आपके 4 दिन पहले आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन भैया टिकट पब्लिक देती है और मैं आप प्रदेश संगठन को प्रदेश नेतृत्व को चुनौती देना चाहता हूँ कि तुम्हारे भेजे हुए प्रत्याशी की जमानत में जाके दिखाए ना, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन तुमको अगर हमारे पास वापस नहीं आना पड़े तो फिर भूगोल बदल जाएगा। जय हिंद जय भारत। ये जो आने वाला चुनाव जो लड़ रहे हैं वो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, वो चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। और प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समाज का जब तक ये लोग नहीं सोच लेंगे ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, जब तक चुनाव मेरा लड़ना व्यर्थ है। मेरी तो आप सब लोगों से विनती है, हो सकता है मेरे में कोई छोटी मोटी कमी जरूर रही हो, क्योंकि एक मैं छोटे से गांव आख्या से आया हूं, वहां करीब 75% एसी और एसटी की बस्ती है। आज उस गांव में बस नहीं जाती है, उस गांव से निकल के मैं आया हूं, हो सकता है मेरे में कोई कमी पेशी रही हो, पर इतना वादा जरूर मैं आप लोगों से कर सकता हूं, उस कमी पेशी को भी आगे आने वाले दिनों में वो कमी पेशी भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो ये समय निकला है 10 दिन का वो समय वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं कि इतना बड़ा समय निकलेगा, क्योंकि रात को नींद नहीं आया। और मेरे युवा साथी वो ऐसा कुछ कार्यकर्ता नहीं है, रात को 12 क्या 1 क्या 2 क्या फोन नहीं आए, उस फोन को आकर जब मैं बहुत सबरा दिल को मजबूत रखने की कोशिश करता हूं, पर सबने सामने वाले आंखों में अगर आंसू देखता हूं तो कहीं कहीं आंसू मेरे भी छलकते हैं। बात चुनाव लड़ने की नहीं है, जो इन्होंने घटना करी है, जो दुर्घटना करी है, एक्सीडेंट हो जाता है, स्वाभाविक एक्सीडेंट कहीं भी होता है, इस बात को तो अपन लोग मानते हैं, पर एक्सीडेंट गाड़ी को सामने लाकर जिस प्रकार की टक्कर मारते हैं वो टक्कर आप लोगों ने देखी है, और आप लोगों के टक्कर सामने है कि कौन किसको मार रहा है, कौन मार नहीं रहा है। मेरी तो आप लोगों से विनती है, इस राजनीति का अगर एक्सीडेंट करना चाहे तो आप लोग हैं, और ये एक्सीडेंट को बचाना चाहे तो आप लोग हैं, क्योंकि एक्सीडेंट बड़ा है, हादसा बड़ा है, कोई छोटा बड़ा हादसा नहीं है। इस हादसा को क्योंकि प्रत्याशी भी आते हैं और प्रत्याशी भी आकर मेरे को भी धमकाते हैं कि आपको भी देख लेंगे, आपके साथ वाले को भी देख लेंगे, और जो भी काम करें उनकी इनकम टैक्स की रेडियो लगा देंगे, और जो काम धंधे करें उनको भी बंद करवा देंगे, हम लोग ये कर लेंगे, हम वो लोग कर लेंगे। इस प्रकार के काफी कार्यकर्ताओं को फोन भी आज भी किए और कल भी किए, रात को 11 बजे और 12 बजे भी मेरे कार्यकर्ताओं को फोन करके धमकाया गया है कि हम लोग आपको देख लेंगे, आप जिस आदमी को चढ़ा रहे हो, जिस आदमी के साथ लग रहे हो, इस प्रकार का नहीं हो। मैं तो आप लोगों से ही कहना चाहता हूं, ये धरा मेवाड़ की है, ये मां पद्मावती की है, मां पन्ना की है, ये जगह कोई सामान्य जमीन नहीं है। जब आप बात करते हैं मैं तो 20 साल तक ऊंट की पूछ के लटकूंगा, पर ये जनता लटकने नहीं देगी आपको, यहां ये जरूर मैं आप लोगों से वादा करता हूं, ये जनता लटकने नहीं देगी। और आप क्या देखते हो, देखती ये जनता है, जब ये जनता जिसके सामने देखती है तो आंखा को तारा भी बना देती है और उसको धरातल भी बता देती है, इसलिए इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए कि हम आप लोगों को देख लेंगे। देख आपने हम बच्चों को ललकार के कहा तो हम भी आपको ललकार के तो नहीं कह सकते हैं, पर रिक्वेस्ट करके आप जरूर कह सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ की मेवाड़ की जनता को, आप चित्तौड़ की जनता को आप ललकार नहीं, आप चुनाव लड़े कोई दिक्कत नहीं, और आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, पर यहाँ जो चुनाव जो लड़ रही है ना, ये चित्तौड़गढ़ विधानसभा की जनता लड़ रही है, वो चंद्रमान सिंह आख्या नहीं लड़ा, चंद्रमान सिंह आख्या का कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आम आदमी लड़ता है, पब्लिक लड़ती है, तो उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। इस प्रकार का आप चैलेंज नहीं करें,
इस प्रकार के आप फोन फान नहीं करें, इस प्रकार धमकाने की आप कोशिश नहीं करें। इस बात की हमारे हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस प्रकार का आप सदुपयोग भी नहीं करें, इस प्रकार का फोन फान नहीं करें या किसी कार्यकर्ता को घर से उठा के लाने की कोशिश नहीं करें। जब यह मेवाड़ जग जाएगा, मेवाड़ के खूनों में अगर गर्म हो जाएगा तो कहेंगे दिक्कत आप लोगों को भी आएगी, क्योंकि ये मेवाड़ का खून शांत रहने वाला नहीं है, ये मेवाड़ का खून गर्म है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इस प्रकार की हरकतें आप नहीं करें। हाँ, मैं तो पहले भी मेरे कार्यकर्ताओं से मैं अगर चुनाव लड़ना देखो आप मेरे से आशीर्वाद बक्सा है हाथ खड़ा करके कि मैं चंद्रमा देव को चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा, मैं चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव आप लोग लड़ेंगे और आपकी ताकत को कभी झुकने नहीं दूंगा, आपकी बात को कहीं नीचे नहीं रखने दूंगा, क्योंकि वो कौन सी बातें आज अखबार में मैंने भी पढ़ी कि मैंने ईमानदारी से सेवा करी। मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं मैंने भी जो सेवा करी है वो ईमानदारी से सेवा करी है। कभी 10 रुपए का लांछन कोई अधिकारी कह दे, कोई कर्मचारी कह दे या कोई सामान्य मार्ग भी कह दे, कभी हम लोगों से कोई चंदा लेकर इस प्रकार की बात करी, कोई इंडस्ट्री एरिया वाला कह दे या मेरा कोई भाई कह दे चंद्रमा ने तेरा जो कोई भ्रष्टाचार और गलत काम किया, तो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ मैं चुपचाप वापस आके चला दूंगा, कभी आप लोगों को मुंह नहीं बता दूंगा। और इतना वादा जरूर करता हूँ जिस समर्थन जिस ताकत से आप लोग खड़े हैं मैं उस ताकत को कभी आप लोगों की नजरों को नीचे नहीं गिरने दूंगा, आपकी ताकत को नीचे नहीं गिरने दूंगा।